प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 26 जुलाई शुक्रवार, पहला पाठ, नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14-17। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा। सभी राष्ट्र यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। प्रभु यह कहता है, हे विद्रोही पुत्रों, मेरे पास लौट आओ। मैं ही तुम्हारा स्वामी हूँ। मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सियोन में वापस ले आऊँगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूँगा, जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु यह कहता है, जब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई भी प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा, कोई भी उसे याद नहीं करेगा, किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूषा नहीं बनाई जाएगी। उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा। सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम में एकत्र हो जाएंगे। वे फिर कभी अपने दुष्ट और हठीले हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य 18-23 तक, ईसा ने कहा, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। ये वो है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है ये वो है जो वचन सुनता है, प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वो थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। जो कांटों में बोया गया है ये वो है जो वचन सुनता है, परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता है। जो अच्छी भूमि में बोया गया है ये वो है जो वचन सुनता और समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज हम प्रभु येसु की माँ मरियम के माता पिता जोआकिम और अन्ना का पर्व मनाते हैं। वैसे चारों सुसमाचारों में इनके बारे में कोई विवरण हमें नहीं प्राप्त होता है, लेकिन एक सुसमाचार है जो माना जाता है कि संत याकूब के द्वारा लिखा गया है। उसमें माता मरियम के माता पिता के बारे में जिक्र है
विवरण है। माता मरियम ने संसार के मुक्ति दाता यीशु को संसार में लाया और उनके माता पिता कितने सौभाग्यशाली थे जिन्होंने एक ऐसी बेटी को जन्म दिया जिसके द्वारा संसार का मुक्तिदाता ईश्वर का पुत्र संसार में आया। इसीलिए हम इन दोनों को सम्मान और आदर देते हैं और उनके द्वारा विश्वास के साथ प्रार्थना करते हैं कि हम सभी भी ईश्वर के वचन को संसार में फैलाने के लिए, प्रभु यीशु को दूसरों तक पहुंचाने के लिए माध्यम बन सके। आज का पहला पाठ यह रमेश नबी के ग्रंथ के अध्याय 3 से लिया गया था। आपने बार बार इसराइलियों की कहानी सुनी है, उनके इतिहास के बारे में जाना है। इसराइलियों के लिए ईश्वर का दिया हुआ वचन और ईश्वर की दी गई वो आज्ञाएं, विधान की मंजूषा, उनके राज्य और उनके समाज, उनके जीवन का केंद्र बिंदु था। लेकिन ऐसे भी समय आया जब राजाओं ने और लोगों ने उस विधान के मंजूषे को यहां तक कि भुला दिया था। आज के पहले पाठ में आपने सुना प्रभु ये कहता है, विद्रोही पुत्रों मेरे पास लौट आओ, मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं, मैं तुम लोगों को सब नगरों और राष्ट्रों से निकालकर सियोन में वापस ले आऊंगा। प्रभु उस समय के बारे में भविष्यवाणी करते हैं नबी यरमियास के द्वारा, जब एक मसीहा के द्वारा सभी विश्वासी, सभी इसराइली इकट्ठे किए जाएंगे। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहों को प्रदान करूंगा जो विवेक और बुद्धिमानी से तुम्हें चराएंगे। प्रभु ये कहता है, जब देश में तुम लोगों की संख्या बहुत बढ़ेगी और तुम्हारी बड़ी उन्नति होगी, तब कोई प्रभु के विधान की मंजूषा की चर्चा नहीं करेगा, कोई उसे याद तक नहीं करेगा, किसी को उसका अभाव नहीं खटकेगा और उसके स्थान पर कोई दूसरी मंजूषा नहीं बनाई जाएगी। उस समय यरूशलेम प्रभु का सिंहासन कहलाएगा, सभी राष्ट्र प्रभु के नाम पर यरूशलेम एकत्र हो जाएंगे, वे फिर कभी अपने दुष्ट और हठीले हृदय की वासनाओं के अनुसार नहीं चलेंगे। इसराइली ईश्वर को त्यागते रहे लेकिन ईश्वर ने इसराइलियों को नहीं त्यागा। बार बार आपने वचनों में सुना है, ईश्वर इसराइलियों के पीछे पीछे लगा रहा, एक पागल दीवाने की तरह इसराइली ईश्वर का परित्याग करते गए, ईश्वर को भुला दिए। ऐसे क्षणों में भी ईश्वर ने उनको नहीं भुलाया, अपने नबियों के द्वारा आशा का संदेश सुनाया। इसीलिए बाइबल में हम बार बार यह पढ़ते हैं कि ईश्वर सत्य प्रतिज्ञ है, यानी ईश्वर ने जो वचन दिया है उसको ईश्वर पालन करता है। हमारे पापों के अनुसार हमारे साथ बर्ताव नहीं करता है, स्तोत्र 103 में हम पढ़ते हैं। जिस तरह एक पिता अपने पुत्र पर दया दिखाता है, उसी तरह ईश्वर अपने भक्तों पर दया दिखाता है। इसराइली ईश्वर से दूर खड़े हुए, भागे, लेकिन ईश्वर उनका पीछा पीछा करता रहा। एक मसीहा और राजा और अगुआ की प्रतिज्ञा करता रहा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब मैं इसराइलियों के इतिहास को देखता हूं, पढ़ता हूं, तब मैं ईश्वर के प्रेम की गहराई और ऊंचाई को समझ पाता हूं।
अब मनुष्य होते हुए समझ नहीं पाते हैं कि कैसे ईश्वर हमारे साथ ऐसा बर्ताव कर सकता है। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 15 को उठाइए, अपनी स्वेच्छा से पिता से अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर परदेश जाने वाला वो लड़का गंदगी में उड़ाने के बाद वापस आता है तो पिता उसके साथ कैसा व्यवहार करता है, उसकी ओर दौड़ पड़ता है, उसको गले से लगाता है, उसको बार बार चूमता है। पवित्र वचनों को पढ़ने के बाद हमें इस बात का एहसास होता है कि ईश्वर का प्रेम कितना ऊंचा है, कितना महान है। स्तोत्र 103 वाक्य 11 में लिखा हुआ है, आकाश पृथ्वी के ऊपर जितना ऊंचा है उतना महान है अपने भक्तों के प्रति ईश्वर का प्रेम। ईश्वर हमें त्यागता नहीं है, हम ईश्वर को त्याग सकते हैं, ईश्वर हमें त्यागता नहीं है, हमारा पीछा करता है, हमारे साथ रहता है, वो सत्य प्रतिज्ञ है। और आज का सुसमाचार संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 से लिया गया था। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु दृष्टांतों के द्वारा लोगों को ईश्वर के राज्य के रहस्य समझाते थे, छोटे छोटे दृष्टांतों के द्वारा। लेकिन बहुत कम दृष्टांत ऐसे हैं जिसकी प्रभु व्याख्या देते हैं। आज प्रभु ने हमें बोने वाले के दृष्टांत की व्याख्या दी। प्रभु कहते हैं, अब तुम लोग बोने वाले का दृष्टांत सुनो। यदि कोई राज्य का वचन सुनता है लेकिन समझता नहीं, तब उसके मन में जो बोया गया है उसे शैतान आकर ले जाता है। ये वो है जो रास्ते के किनारे बोया गया है। कई लोग वचन सुनते हैं लेकिन समझते नहीं है, समझने का प्रयास नहीं करते हैं, आधे अधूरे मन से सुनते हैं जैसे सड़क की तरह। वे वचन को समझ नहीं पाते हैं, वो वचन पड़ा रहता है और शैतान उसको चुग लेता है। जो पथरीली भूमि में बोया गया है ये वो है जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करता है, परंतु उसमें जड़ नहीं है और वो थोड़े ही दिन दृढ़ रहता है। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वह तुरंत विचलित हो जाता है। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो वचन सुनते हैं, उनके अंदर वचन पनपता है, लेकिन उस पवित्र वचन के कारण, प्रभु के कारण कोई दुख पीड़ाएं आ जाती हैं, तुरंत विचलित हो जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं। ये पथरीली जमीन है। जो कांटों में बोया गया है ये वो है जो वचन सुनता है परंतु संसार की चिंता और धन का मोह वचन को दबा देता है और वो फल नहीं लाता है। कई लोग ऐसे हैं जो वचन को सुनते हैं, वचन को अपने में पनपने देते हैं, लेकिन जीवन की चिंताएं और संसार का मोह माया वचन को फलवंत नहीं होने देता है, उसको दबा देता है। चौथा, जो अच्छी भूमि में बोया गया है ये वो है जो वचन सुनता है, समझता है और फल लाता है, कोई 100 गुना, कोई 60 गुना और कोई 30 गुना। इसके बारे में लूकस के सुसमाचार के अध्याय 8 उसके वाक्य 15 में लिखा हुआ है, अच्छी भूमि पर गिरे हुए बीज वे लोग हैं जो सच्चे और निष्कपट हृदय से वचन सुनकर सुरक्षित रखते और अपने धैर्य के कारण फल लाते हैं। अच्छी भूमि वे लोग हैं जो निष्कपट हृदय से वचन को ग्रहण करते हैं, जो विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ प्रभु के वचन को स्वीकार करते हैं, उस पर मनन चिंतन करते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 2 वाक्य 19 में लिखा हुआ है कि मरियम ने वचन पर मनन चिंतन किया
वचन को अपने जीवन में रहने दिया, उस पर विश्वास किया और अपने धैर्य के कारण वो फल लाता है। कोई 100 गुना लाता है, कोई 60 गुना लाता है, कोई 30 गुना लाता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे इस आश्रम में रहते हुए कई साल हुए और मुझे ये दृष्टांत सैकड़ों लोगों के जीवन में पूरा होते हुए देखने का मौका मिला है। वचन बोया जाता है, ईश्वर का वचन सुनाया जाता है, कुछ लोग सुनते हैं और बाद में छोड़ देते हैं, कुछ लोग सुनते हैं लेकिन उसके कारण जब दुख आ जाता है उसको छोड़ देते हैं, कुछ लोग सुनते हैं ग्रहण करते हैं लेकिन जीवन की चिंताएं और संसार का मोह दबा देता है। लेकिन कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है जो वचन सुनते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, हृदय से ग्रहण करते हैं और उनके जीवन में मैंने ईश्वर की आशीषों का बौछार देखा है। प्रभु इसके द्वारा क्या बताना चाहते हैं? हमें ईश्वर के वचन के प्रति, ईश्वर के प्रति खुला हृदय, खुला मन, खुली आत्मा रखने की आवश्यकता है। हमारे जीवन में आशीष नहीं है, उसका कारण यह नहीं है कि ईश्वर आशीष नहीं देता है। ईश्वर निष्पक्ष है, सबको देता है, लेकिन हमारी गुणवत्ता के अनुसार, हमारे खुलेपन के अनुसार हम लोग ग्रहण करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण ले जाइए, छोटी सी कटोरी ले जाइए, उतना ही पानी ग्रहण कीजिए, बाटली ले जाइए, उतना पानी ग्रहण कीजिए। प्रभु आज के इस दृष्टांत की व्याख्या के द्वारा हमें बताते हैं, हमें प्रभु के वचन के योग्य बनना है, हमें अपने हृदय और मन को प्रभु के प्रति खुला रखना है। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचनों के लिए। प्रतिदिन तू पवित्र वचनों के द्वारा हमें सिखाता है, हमें ईश्वर के राज्य का मर्म समझाता है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है, उसी तरह तू हमें सिखाता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु यीशु, आज के दिन इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए आशीष का दिन बने। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन की।